हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेज केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो देखिए, अभी अपने अभी आज ये थर्ड है, हेलोजन डेरिवेटिव का थर्ड लेक्चर है। तो पहले लेक्चर मैंने इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन लिया, सेकंड लेक्चर मैंने नॉमेनक्लेचर लिया, अब थर्ड लेक्चर हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कहलाइड्स। तो इसमें टोटल फोर प्रिपरेशन मेथड्स हैं। फर्स्ट है फ्रॉम एल्कोहल, सेकेंड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, थर्ड है हेलोजन एक्शन मेथड और फोर्थ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चार मेथड इसके अंदर टोटल। तो अभी इनको थोड़ा आराम से समझाना, क्योंकि प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अभी हम लोग अभी फोर मेथड्स समझ आ गए नाम। तो अब एक एक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं फ्रॉम एल्कोहल्स, देखते हैं फर्स्ट फ्रॉम एल्कोहल्स। तो अब देखिए जरा हम लोग क्या करेंगे, एल्कोहल्स के अंदर भी अब पार्ट है अभी इसके अंदर। तो पहले देखते हैं बाय रिएक्शन विद क्या करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं हाइड्रोजन हैलाइड, फिर लेते हैं फॉस्फोरस हैलाइड, उसमें फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड और थायोनिल क्लोराइड इसके अंदर। चलो हम बराबर बात करते हैं जरा यहाँ पर। सबसे पहले इसके अंदर लेते हैं क्या रिएक्शन विथ, मतलब ऐसे कर सकते हैं बाय यूजिंग हाइड्रोजन, ऐसा लिखते हैं आपके, मतलब कि अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक ही जाते हैं हम लोग यहाँ पर। तो बाय यूजिंग हम यहाँ पे क्या लेने वाले, देखो बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड्स, पहले लेते हैं यहाँ पर बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड्स, देख लीजिए बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड्स HX। तो अगर आपको हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर आपको याद होगा तो क्या होता है, HI मोर रिएक्टिव देन HBr, HBr मोर रिएक्टिव देन HCl। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव HI है और सबसे कम है HCl, ये ध्यान रखिए। और यहाँ पर फ्रॉम एल्कोहल लिया तो एल्कोहल का भी रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। टर्शियरी एल्कोहल मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी एल्कोहल्स। देखो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा यहाँ पर टर्शियरी एल्कोहल, उसके बाद फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दोनों ऑर्डर आपको याद रखने हैं। हो जाएंगे कि याद, देख लीजिए। तो हाइड्रोजन हैलाइड्स को हम लोग अगर ये देखो, हाइड्रोजन हैलाइड गैसीय स्टेट में, अगर एसिडिक फॉर्म में तो हैलोजन एसिड भी बोल सकते हैं आप इसको, याद रखना है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, हैलोजन एसिड्स, हैलोजन एसिड्स बोल सकते हैं, हाइड्रा एसिड है कि नहीं, इस टाइप से। तो ये भी नाम ले सकते हैं हैलोजन एसिड्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स, दोनों चलता है नाम, ठीक है। चलिए ये बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम क्या करते हैं, अब एक एक देखते हैं। तो पहले HCl के साथ बनेगा आपका अल्काइल क्लोराइड, HBr के साथ बनेगा अल्काइल ब्रोमाइड और HI के साथ बनेगा अल्काइल आयोडाइड, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ऐसा लिख देंगे, प्रिपरेशन ऑफ, ऐसा कर देते इसको, देखो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड्स। अब अल्काइल क्लोराइड किससे बनेगा, HCl से बनने वाला है और HCl होता है सबसे कम रिएक्टिव, HCl कैसा है, लीस्ट रिएक्टिव है, बराबर है कि नहीं। तो देखिए अब हमने यहाँ पे लिया है अभी अल्कोहल, अब ये डिपेंड करता है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंड अल्कोहल, टर्शियरी क्या लेते हैं अब यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे पहले जनरल लिखता हूँ, देखो अभी कंडीशन समझ लीजिए। तो पहले एक काम करते हैं, एक एक रिएक्शन ले लेता हूँ, प्राइमरी अल्कोहल लेता हूँ पहले मैं, इसको मैं किससे रिएक्शन करता हूँ, HCl के साथ। अब यहाँ की कंडीशन समझ लीजिए, यहाँ पर हम लेते हैं अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेना है और उसको हीट करना नेसेसरी है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे लिया प्राइमरी अल्कोहल और उसको मैंने किससे रिएक्शन कर दिया है, HCl के साथ, चाहे आप हाइड्रोजन हैलाइड लीजिए या हैलोजन एसिड ले लीजिए विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, जो लेना ले सकते हैं। तो अब देखो ये क्लोराइड क्या करेगा, इस OH को रिप्लेस करेगा, OH यहाँ पर आ जाएगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है। न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होते हैं या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल में लोन पेयर होते हैं, इसके ऊपर उसको बोलते हैं कि हम लोग न्यूक्लियोफाइल। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करा है, तो ये ऐसी रिएक्शन बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ बनेगा आपका RCH2Cl, ये बन गया प्राइमरी अल्कोहल प्लस H2O, वाटर निकलेगा क्योंकि यहाँ का H और ये OH कंबाइन हो जाएगा, क्योंकि ये क्लोरीन ने इस OH को निकाला, OH यहाँ पे आ गया, OH प्लस H वाटर निकल गया,
तो प्राइमरी अल्कोहल से बनेगा प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड, ये बन गया आपका प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड, बराबर है कि नहीं। अब आपको जो एग्जांपल लेना ले सकते हैं, यहाँ पर मैं सबका एक एक एग्जांपल भी समझा देता हूँ आपको, आप बहुत सारे बना के देख लीजिए। मैंने जैसे मैं यहाँ पे लिया है, मैंने CH3OH मिथाइल अल्कोहल, मिथिल अल्कोहल आप बोलते हैं, तो मिथिल अल्कोहल को मैंने HCl के साथ रिएक्शन कर दिया, और यहाँ पे आपको लेना है अनहाइड्रस अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और उसको हीट कर दिया, तो अब ये क्लोराइड इस OH को रिप्लेस करेगा, OH यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ बनेगा आपका CH3Cl प्लस H2O, बन गया मिथाइल क्लोराइड, मिथिल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड जो बोलना है, या फिर इसको IPC नेम बोलेगा क्लोरोमीथेन, ठीक है ना, IPC नेम भी चल जाएगा, कॉमन नेम भी जो आपको आते हैं वो कर लीजिए, ठीक है ना। ये प्राइमरी हो गया, देख लीजिए आ रहा है समझ में। तो प्रिपरेशन ऑफ क्या ले रहे हैं, अल्काइल क्लोराइड में हमने लिया प्राइमरी प्राइमरी अल्कोहल से बनेगा प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड, सेकेंडरी अल्कोहल से बनेगा सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड, और दोनों को बोलेंगे ग्रूव्स रिएक्शन बोलते हैं, या ग्रूव्स मेथड बोला जाता है, ठीक है ना। हम उसको क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग ग्रूव्स रिएक्शन या ग्रूव्स मेथड बोलते हैं, या प्रोसेस बोल सकते हैं आप चाहो तो। देख लीजिए ये हो गया प्राइमरी का, बन जाएगा ना। अब मिथाइल लेंगे तो मिथाइल क्लोराइड, इथाइल लेंगे तो इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल लेंगे तो प्रोपाइल, मतलब प्राइमर लेना है और उसको अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, और आपको हीटिंग करना जरूरी है, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। अब मैं लेता हूँ सेकेंडरी अल्कोहल, आप एक एक समझाता हूँ सभी का कंडीशन, बेफिक्र रहिए आप, अच्छा करा के दूंगा, आप भी नाम लेंगे अच्छा हो गया हमारा। अब लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, मैंने यहाँ पे लिया आर सी, यहाँ पे लिया मैंने दूसरा आर, फिर लिया मैंने एच ओ एच, ये सेकेंडरी अल्कोहल का जनरल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये लिया मैंने सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, इसको मैंने रिएक्ट किया HCl, क्योंकि अभी प्राइमरी अल्कोहल कम रिएक्टिव, अभी हमने रिएक्टिव ऑर्डर देखा था, क्या देखा था, टर्शियरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना। और अब हाइड्रोजेलाइड का ऑर्डर अगर देखते हैं तो HI मोर रिएक्टिव देन HBr, HBr मोर रिएक्टिव देन HCl। तो अब देखो हमने यहाँ पे लिया HCl और प्राइमरी अल्कोहल, उसलिए हमको क्या करना पड़ रहा था, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड भी लेना पड़ रहा था और हीटिंग भी करना पड़ रहा था, लेकिन अब सेकेंड अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, तो अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हीटिंग करने की जरूरत नहीं है, अब हमको सिर्फ क्या लेना पड़ेगा, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेना पड़ेगा, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, लेकिन उसको हीटिंग करने की जरूरत नहीं है, वो हो जाएगा आपका रूम टेम्परेचर, क्योंकि रिएक्टिविटी बढ़ गई तो कंडीशन थोड़ी कम हो जाएगी। तो अभी देखो ये क्लोराइड क्या कर रहा है, इस OH को रिप्लेस कर रहा है, OH यहाँ पर आ जाएगा, तो अब बनेगा आपके सेकेंडरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड या अल्किल क्लोराइड, जो बोलना है बोलिए आप, ये देखिए बन गया, ठीक है ना। तो सेकेंडरी अल्कोहल से बनेगा सेकेंडरी अल्किल क्लोराइड, ये बन गया आपका, ओके ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। मैंने सेकेंडरी का एग्जाम्पल लिया आइसो प्रोपिल अल्कोहल, क्या लिया मैंने, आइसो प्रोपिल अल्कोहल, क्या नाम है इसका, आइसो प्रोपिल अल्कोहल। कल मैं नॉमेनक्लेचर पढ़ाया, पढ़ लिया क्या आप लोगों ने, डेली पढ़ना है और नोट्स बनाने हैं, रजिस्टर पेन निकाल के नोट्स बनाने हैं, तब आपका प्रोग्रेस होगा। आप बेफिक्र रहिए, मैं लूंगा, मतलब लेक्चर लूंगा, आधा घंटा का हो एक घंटा जरूर लूंगा, डेली लेक्चर रहेंगे आपके, बेफिक्र रहिए। कल संडे, कल भी लेक्चर रहेगा, कल थोड़ा बड़ा लेक्चर बनाऊंगा, कल संडे ना, ठीक है ना। अब इसको मैंने किया HCl के साथ, अब बेफिक्र रहना है आपको, टेंशन मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं बराबर करता, अब मैंने डिसाइड ही कर लिया है, मतलब आप आपको करवा के देना है, मतलब पूरा कंप्लीट टाइम से पहले करवा के देना है, हमारा सिलेबस कैसे भी करके नवंबर दिसंबर के बीच में ख़त्म हो जाना चाहिए ट्वेल्थ का पूरा, फिर हमारा क्या फेब में एग्ज़ाम होते हैं, तो फिर मार्च में अपन पेपर ऊपर देख लेंगे, मतलब सॉरी जनवरी में पेपर देख लेंगे, फिर अपन क्वेश्चंस पे कैसा करना है क्या, थोड़ा उसका डिस्कशन करूँगा, या जनवरी तक गया तो कोई इशू नहीं है, आराम से हो जाता है पूरा, क्योंकि फुल केमिस्ट्री है ना। तो अब देखो ये क्लोराइड क्या करेगा, इस OH को रिप्लेस करेगा, तो पूरी ओवरऑल रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ बनेगा आपका देखिए CH3, ठीक है ना, CH3 बराबर है CH3, और यहाँ पे CHCl प्लस H2O, तो इससे बनेगा आपका आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल अल्कोहल से आइसोप्रोपिल क्लोराइड बनेगा, देख लीजिए न्यूक्लियोफिलिक। तो प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंड अल्कोहल को बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ग्रूव्स प्रोसेस, ग्रूव्स प्रोसेस बोलेंगे इसको, याद रखना है सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी को, टर्शरी को नहीं, ये यूज करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर आपने अल्कोहल लिया
तब इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रूव्स प्रोसेस बोलेंगे। सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल को याद रखिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे, मैं पीडीएफ बनाकर आपको दे दूंगा पूरा, बेफिक्र रहिए। थोड़ा सा चैप्टर मूव करने दीजिए, आप अपने सारे दोस्तों को बताइए, सबको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। नोट्स के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल देता हूँ, वो लिंक को क्लिक करना, पहुंच जाएंगे वहाँ पर और आपको नोट्स मिल जाएंगे वहाँ पर। ऐसे ऑलरेडी मैंने अपलोड करके रखा हुआ है नोट्स, तो वहाँ पे क्या है, मेरे CBSE के भी कुछ नोट्स है, मतलब NCERT के भी है स्टेट, तो वहाँ पे देख लेना जरा, महाराष्ट्र बोर्ड है, तो मैं भी जरा क्लियर करता हूँ अभी आप लोगों के लिए, जरा अच्छा करता हूँ, पूरे नोट्स पीछे के ना सारे डिलीट मारने वाला हूँ, फिर आपका नया नोट्स शुरू हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है ना। देख लिए बेटा, मेरे नहीं लगता इसमें कुछ कन्फ्यूजन है आपका, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में देखते हैं अभी। तो टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव, तो अभी कंडीशन और कम होनी चाहिए, तो देखिए अब क्या करते हैं, और कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, कम कर देते हैं। अब देखिए क्या होगा, अब हम क्या करते हैं, देखो अब हमने यहां पे लिया टर्शियरी अल्कोहल लिया, जैसे ही टर्शियरी अल्कोहल आपने लिया तो सिर्फ आपको रूम टेम्परेचर ही लेना है बस। ये आर ले लिया यहां पे, आर ये बन गया, देख लीजिए टर्शियरी अल्कोहल, मैंने यहां पे क्या लिया, ये टर्शियरी अल्कोहल लिया मैंने, टर्शियरी अल्कोहल देख लीजिए को से क्या बनेगा आपका, टर्शियरी अल्किल क्लोराइड बन जाएगा आपका। ये देखो, तो अभी आपको ध्यान देना जरा इधर है, तो अभी ये क्लोराइड क्या कर रहा है, इस OH ग्रुप को रिप्लेस करेगा, प्रोसेस वही पूरा वही है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो टर्शियरी अल्कोहल से टर्शियरी अल्किल क्लोराइड बन जाएगा। अब एग्जाम बना था, आप बना समझ आ गया, इन तीनों को मैं कंबाइन कर सकता, जैसे देखो कंबाइन ऐसे लिख सकता हूँ, CH3 टेकन थ्राइस COH, ऐसा लिख सकते हैं ना, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, क्या लिखेंगे इसको, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, ऐसे लिखेंगे टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल से बनेगा आपका, ठीक है ना। इसको लिया मैंने यहाँ पे HCl, यहाँ पे सिर्फ रूम टेम्परेचर क्यों ले रहे वाले में, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ बनेगा आपका CH3 टेकन थ्राइस CL प्लस H2O। अब बहुत सारे मैं एक एक बनाए, आप बाकी सारे एग्जाम्पल बना के देख लीजिए, आपको बना के देखना है। तो प्राइमरी में मैंने मिथिल बनाया, मिथिल अल्कोहल, आप इथिल अल्कोहल एन प्रोपिल अल्कोहल लेके बना के देखो। सेकेंडरी मैंने आइसोप्रोपाइल लिया, तो आप सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है ना, सेकेंडरी पेंटाइल, ऐसे बना एक एक दो बना के देखो, अच्छा रहता है, प्रैक्टिस हो जाती है, आपको करना चाहिए। जब आप बनाएंगे नोट्स तो एक एक दो दो एग्जाम्पल एक्स्ट्रा लेके बनाइए, ठीक है ना, सिर्फ अल्काइल ग्रुप बढ़ाना है बस, हो गया। देख लीजिए, तो ये हो गया आपका बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड से आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड हो गया आपका। अब प्रिपरेशन अल्काइल ब्रोमाइड देखना है, फिर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड देखना है, ठीक है ना, हो गया, आएगा समझ में, जरा देख लीजिए, क्लियर है आप लोगों का ये। चलो कोई कंफ्यूजन, तो मैं भी यहां पर लेता हूं, इसको हटा देता हूं, क्योंकि जगह हमको कम पड़ रही है ना, थोड़ा ज्यादा जगह हो जाएगी अब, है ना। देखिए अब हम आराम आराम से जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, आपको बिल्कुल जल्दी समझ आएगा। तो अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग है, बाद में धीरे धीरे स्पीड, मतलब कैसे करूँगा, फिर बाद में आपका ये जो मैं इरेज कर रहा हूँ ना, ये टाइम आपको बचा दूंगा, बाद में इरेज के लिए मैं आपका ये जो है ना वीडियो ऑफ करके मैं इरेज करूँगा फिर ऑन करूँगा, ऐसा करूँगा मैं, ठीक है ना। या कुछ पॉइंट लिख सकता हूँ तो लिख भी दूंगा, जिससे आपका टाइम जितना बचा सकता हूँ बचाएंगे हम लोग। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर सेकेंड, देखते हैं अभी प्रिपरेशन ऑफ, क्या देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्किल ब्रोमाइड देखना है अभी, अल्किल ब्रोमाइड्स। अब अल्किल ब्रोमाइड्स किससे बन सकता है, HBr से बनेगा, ठीक है ना, वो किससे बनेगा आपका, HBr से, ठीक है ना। तो अब देखिए अभी, अब आपको आपको मालूम है कि HBr जो है वो HCl से ज़्यादा रिएक्टिव, लेकिन एक प्रॉब्लम है HBr में, HBr आपको C2 रिएक्शन बनाया है, C2। अब ये C2 रिएक्शन क्या होता है वो समझना है आपको। देखो अब मुझे क्या बनाना है, देखो ऐसा बताता हूँ, HBr मुझे बनाना है, यहाँ पे देख लीजिए कैसे होता है, HBr मुझे किसे बनाना है, देखो मैं किसे बनाऊँगा, यहाँ पर लेता हूँ मैं सोडियम ब्रोमाइड लिया मैंने, यहाँ पर सोडियम ब्रोमाइड प्लस H2SO4, इन दोनों का रिएक्शन मैंने करा दिया, तो क्या बनेगा, HBr बन गया, यहाँ से आपका HBr, तो दो ब्रोमीन दो H है, तो ट्वाइस करके बैलेंस कर दिया। अब यहाँ बनेगा आपका Na2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, यहाँ पे करीब करीब ये 48% लिया जाता है, ये HBr कितना लिया आपको, 48%, ठीक है,
तो अब ये रिएक्शन हो गया। अब मैं लोगों C2 क्या होता है, अब डायरेक्ट इन दोनों के मिक्सचर मतलब सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड को डायरेक्ट मैं टेस्ट ट्यूब में डाल दूंगा। मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, देख लिया आप C2 रिएक्शन का मीनिंग समझ लीजिए आप लोग। पहले ये टेस्ट ट्यूब लिया मैंने, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या ले रखा है, एल्कोहल लेके रखा हुआ है पहले से। अब इसमें मैं ऐड करता हूँ सोडियम ब्रोमाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया मैंने इसके अंदर। तब इन दोनों का देखो, इन दोनों का रिएक्शन क्या बनेगा, HBr, इन दोनों के रिएक्शन क्या बनेगा, HBr, फिर वो HBr इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो ऐसे रिएक्शन बोलते हैं C2 रिएक्शंस। क्या बोले इसको, C2, इसको SITU, C2 रिएक्शन ये बोला जाता है। मतलब इन दोनों की मिक्सचर डायरेक्ट इसमें, ऐसा नहीं कि आप दूसरे टेस्ट में दोनों को रिएक्शन करके HBr बनाए फिर उसमें ऐड किया, नहीं, तब तक वो डीकम्पोज हो जाएगा। क्योंकि HBr जो हम C2 रिएक्शन यूज कब करते हैं, जब आपका जो भी रिएजेंट्स में ऐड करेंगे रिएक्शन के लिए वो हाईली अनस्टेबल होगा। वो कैसे होगा, हाईली अनस्टेबल है भाई, HBr स्टेबल है, इसलिए इसको हमको हाईली अनस्टेबल होने के कारण इसको हम लोग C2 रिएक्शन बनाते हैं। ये थोड़ा समझ आ गया, अब मैं रिएक्शन लूंगा तो और क्लियर होगा, थोड़ा वेट कीजिए आइएगा वो भी समझ में, ठीक है ना। एक 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 रिएक्शन देखेंगे हम, आराम आराम से चलेंगे। आज तो थोड़ा ही लूंगा मैं और, क्योंकि अभी आज का थोड़ा ज़्यादा मैटर हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे लेता हूँ, अभी देखो प्राइमरी एल्कोहल, देखो मैंने यहाँ पे लिया RCH2OH, ये लिया प्राइमरी एल्कोहल। अब देखो ये HBr कैसे बन रहा है, देखो अब ये जो HBr है ये इंटरमीडिएट है यहाँ पर, कैसा है, क्योंकि इससे बन रहा है आपका सोडियम ब्रोमाइड NaBr प्लस H2, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे कॉन्सनट्रेटेड लेंगे। प्राइमरी एल्कोहल लीस्ट रिएक्टिव है ना भाई, कम रिएक्टिव है, तो हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लेना पड़ेगा, बहुत कम रिएक्टिव है तो कॉन्सनट्रेटेड, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों के रिएक्शन से बन गया ये, जिसे ऊपर लिखा है देखो, दोनों के रिएक्शन बन गया आपका HBr, देखो इसको बोलते हैं C2 रिएक्शन। आया समझ अभी, C2 रिएक्शन। अब इन दोनों के मिक्सचर का डाले किसके अंदर डाल दिया है, फिर वहाँ ये जनरेट हुआ HBr, फिर HBr रिएक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पर ये HBr इंटरमीडिएट है, इन दोनों के रिएक्शन से ये बन रहा है, ये इंटरमीडिएट है। अब ये क्या करेगा, अब ये बने HBr तुरंत फिर ये से रिएक्शन करेगा, OH को रिप्लेस कर देगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये भी आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एल्कोहल की सारी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बनता है, देखो RCH2Br, देखो प्राइमरी एल्कोहल से बन गया प्राइमरी अल्किल ब्रोमाइड, ठीक है, देखो प्राइमरी एल्कोहल से बन गया, देखो ये क्लियर हुआ अभी आपका, देख लीजिए। अब एग्जाम्पल समझ आ रहा है ना, सिर्फ R को बदलना होता है बस। जनरल रिएक्शन अगर आपको आती है तो दुनिया भर के एग्जाम्पल तैयार कर सकते हैं। मैं मेरे स्टूडेंट को यही बताऊंगा मैं कि आपको जनरल रिएक्शन समझना है, आप दुनिया भर के एग्जाम्पल, तो R क्या ले सकते हैं, मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं। जैसे हम इसका एक बना के दिखाने वाला हूं आपको मैं, एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिया है CH3, मैं फर्स्ट मेंबर ले रहा हूँ, इसका सेकेंड थर्ड आप ले, आप लोग क्या करो घर पे बैठ के उसको बना के देखो। यहाँ पे मिथिल एल्कोहल लिया, यहाँ पे लिया HBr, ये इंटरमीडिएट है क्योंकि ये इन दोनों के रिएक्शन बनता है सोडियम, देखो बोर्ड एग्जाम में ऐसा लिखना पड़ेगा, सोडियम ब्रोमाइड प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 आपको लिखना पड़ेगा ऐसा, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो तो अब ये ब्रोमाइड मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ब्रोमाइड OH को रिप्लेस करेगा, यहाँ पे आ गया CH3Br प्लस H2O, ये बन गया, देख लीजिए बन गया, आ जाएगा, ऐसा आपको करना है, ये हो गया प्राइमरी। अब सेकेंडरी के लिए क्या करना है, सेकेंडरी में यहाँ पे लेता हूँ, आ जाएगा समझ में। अब मिथिल एल्कोहल लिया, आप इथिल एल्कोहल एन प्रोपिल आप लोग देख के तैयार करो, प्रोसेस वही है। अब मैं लेता हूँ सेकेंडरी एल्कोहल, देखो R2 लिया है सेकेंडरी एल्कोहल, यहाँ पे क्या कर, सेकेंडरी एल्कोहल कर दिया। अब लेकिन सेकेंडरी एल्कोहल जो होता है वो प्राइमरी एल्कोहल से ज़्यादा रिएक्टिव था, अब ये कॉन्सनट्रेटेड नहीं लेंगे, अब यहाँ पे लेंगे हम लोग डाइल्यूट लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, क्योंकि रिएक्टिविटी बढ़ गई। अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया तो आपको अल्किल ब्रोमाइड नहीं मिलेगा, वहां पे भी मिलेगा आपको अल्किन मिलेगा, बताऊंगा आपको मैं। तो प्राइमरी से और सेकेंडरी में डिफरेंस समझ में आ रहा है, सिर्फ वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड था, यहां पे डाइल्यूट लिया है, तो प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्किल ब्रोमाइड, बाकी सब रिएक्शन वही है, देख लीजिए। अब यहां पर मैं एग्जाम्पल लेता हूं CH3CH, यहां पर लिया मैंने CH3, देखो ये लिया आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, क्या लिया मैंने यहाँ पर आइसोप्रोपिल एल्कोहल, मैं आइसोप्रोपाइल क्योंकि हमारा CBSE टच ज़्यादा है मेरा, तो इसलिए मैं अल्काइल बोलता हूँ उसको, CBSE हम अल्काइल बोलते हैं, स्टेट बोर्ड में हम लोग महाराष्ट्र में अल्किल बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो निकल ही आता है मेरे से।
अब यहाँ पे क्या बनेगा देख लीजिए, सी एच थ्री सी एच, यहाँ पे आएगा बी आर सी एच थ्री। तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल से क्या बनेगा आपका यहाँ पर, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बन जाएगा, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, ये देख लीजिए आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनने वाला है, देख लीजिए बराबर है, ये देखो सिंपल है कि नहीं। तो यहाँ ये सारे रिएक्शन आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो सारी ये सब सी टू रिएक्शन है सब, ठीक है ना। अब डिफरेंस में जाएगा, प्राइमरी में कॉन्सेंट्रेटेड, सेकेंडरी में क्या ले रहे हैं हम लोग डाइल्यूट, यहाँ सॉरी डाइल्यूट लिख रहा है मेरा, सेकेंडरी में डाइल्यूट लेना है। देखो ये जनरल रिएक्शन एग्जाम, जनरल रिएक्शन आ गया आपको सब आ जाएंगे, सिर्फ आर ही चेंज होता है, आर मिथाइल इथाइल प्रोपाइल यही चेंज करते हैं बस। अब दूसरा मैंने आइसोप्रोपिल, अब आप क्या करो सेकेंडरी ब्यूटी लेके करके देखो, सेकेंडरी पेंटी लेके करके देखो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम बना के देख सकते हो आप खुद ही। कंसेप्ट को समझना है बेटा, रट्टा नहीं मारना है, समझ लिया उतना अच्छा रहता है। योग सेकेंड, अब टर्शियरी बना सकते हैं, टर्शरी, टर्शरी में एक और आर ऐड कर दो, ये लिख कर दिया आर मैंने, तो ये हो गया आपका टर्शरी एल्कोहल। अब टर्शरी में ज्यादा रिएक्टिव तो इसको और डाइल्यूट करेंगे, लेकिन लिखना तो डाइल्यूट ही पड़ेगा, वेरी डाइल्यूट करते हैं इसको और डाइल्यूट करना पड़ेगा, तो डाइल्यूट लिखेंगे यहाँ पर बराबर है वो। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ आर और यहाँ लिखता हूँ टर्शरी अल्किल ब्रोमाइड, टर्शरी अल्किल ब्रोमाइड हो गया। देखो रिएक्शन सेम है कि नहीं, देखो सिर्फ आपको आर ही तो बढ़ाना है, इधर क्या करना है, हो गया हो गया। तो टर्शियरी अल्कोहल से टर्शियरी अल्किल ब्रोमाइड, तो ये बी आर इस ओएच को रिप्लेस करेगा, बस हो गया काम खत्म, ये देख लीजिए। अब हमने क्या लिया यहाँ पे कर सकते हैं, एक ऊपर में बढ़ाया था उसका सीधे, टर्शियरी ब्यूटिल, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, यहाँ इसका नाम क्या लिखते हैं हम लोग, टर्शियरी ब्यूटिल, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल हो गया। अब यहाँ पे क्या बनेगा आपका, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, एक और सी एस थ्री ऊपर बढ़ा देते हैं, देखो यहाँ पर मैं सी एस थ्री बढ़ा देता हूँ, ये हो गया देखो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, हो गया। आगे समय डाइल्यूट लेना है, सेकेंडरी और टर्शरी में डाइल्यूट, प्राइमरी में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फर, इतना डिफरेंस है, ठीक है, ये क्लियर हुआ, देख लीजिए। अगर आपने यहाँ पर सेकेंडरी टर्शरी में कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया तो क्या होगा, आप सोचिए, यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया तो क्या होगा, तो फिर आपका अल्कीन बनेगा, क्या बनेगा अल्कीन, आप बनाने जा रहे थे अल्काइल ब्रोमाइड बनेगा, अल्कीन बनेगा, आपको बताता हूँ अभी, अभी ये नोट ही आपको याद रखना है, आपको नोट्स में सब मिल जाएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं नोट्स अभी जरा, कल संडे ना तो हो सका तो मैं कल ही आपको प्रॉपर अरेंज करके उसमें डाल दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी आपका ये फुल सिलेबस है, अभी आपका इस साल मेरे ख्याल से रिड्यूस नहीं होगा शायद, ठीक है ना, तो मुझे थोड़ा नोट्स और अच्छा आपके करने पड़ेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, तो नोट में आपको याद रखना है, अगर आपने सेकेंड ईयर टर्शियरी अल्कोहल में क्या ले लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्या होगा, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, तो पहले लेता हूँ मैं यहाँ पर, अगर मैंने सेकेंडरी अल्कोहल लिया, मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको, ये देख लीजिए इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पर लिया HBr, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, सोडियम ब्रोमाइड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ मैंने कर दिया, तो अब क्या होगा, अब इसका क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, मतलब अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H, यहाँ से आपका H निकल जाएगा, ये देख लीजिए यहाँ से H और यहाँ से OH दोनों कंबाइन करके क्या बनेगा, वाटर, देखो और यहाँ बन गया आपका दो, यहाँ दोनों से डबल हो जाएगा, मतलब क्या बनेगा, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री प्लस एच टू ओ। अब बनाने जा रहे थे अल्किल ब्रोमाइड, बन गया अल्कीन, अगर आपने कॉन्सेंट्रेट लिया तो सेकेंडरी और टर्शरी में आपको लेना है डाइल्यूट लेना है, समझ आया। अब टर्शरी भी कर सकते हैं, टर्शरी के लिए क्या करना पड़ेगा ये देख लीजिए मैं बताता हूँ, सी एच थ्री सी एच थ्री, ये सारे इतने सब रिएक्शन बुक्स में नहीं है बेटा, बुक्स में क्या फटाफट ख़त्म किया उन्होंने, मैं आपको अच्छा नॉलेज दे रहा हूँ, क्योंकि अब हम लोग का सी बी एस ई होने के कारण बहुत बढ़िया हो जाता है, सी बी एस ई का टच होने के कारण बहुत, मतलब एन सी आर टी, तो यहाँ पर हमने कॉन्सेंट्रेटेड क्या ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, सेम अल्फा कार्बन से ओ एच और बीटा कार्बन से बीटा एच, ये बीटा एच निकाल दिया तो ये ओ एच वाटर निकल गया, तो अभी आप आपका बनेगा सी एच थ्री सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस एच टू ओ, देख लीजिए यहाँ प्रोपीन बना, यहाँ पे आइसोब्यूटाइलिन बना, यहाँ पे क्या बन गया आपका प्रोपीन, अल्कीन बन गया, यहाँ पे बन गया आपका आइसोब्यूटाइलिन, ये देख लीजिए। हाँ बनाने जा रहे थे अल्किल अल्किल ब्रोमाइड, नहीं बन रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे डाइल्यूट की जगह पे क्या ले लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड लिया, तो आपको ये याद रखना है कि सेकेंडरी
और टर्शरी एल्कोहल में आपको क्या नहीं लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपको नहीं लेना है, वहां पे डाइल्यूट लेना है। सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल में ही आपको कॉन्सेंट्रेटेड लेना है सल्फ्यूरिक, सेकेंडरी टर्शरी में यूज नहीं करना, सिर्फ प्राइमरी यूज करेंगे। ये क्लियर हुआ आपका? तो थोड़ा बड़े मेथड हो गया और काफी डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पर, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आप में कर लेता हूँ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल ब्रोमाइड, फिर मैं ये मेथड यहाँ पर स्टॉप कर दूंगा। तो आपके एक फर्स्ट मेथड आपकी कंप्लीट होने वाली है, फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो जाएगी, काफी बड़ी है, मैंने थोड़ा उसको थोड़ा डिटेल में ले लिया काफी, उसने थोड़ा और बड़ा हो गया हो, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको, कंसेप्ट बहुत भारी हो गया आपका। अब लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्किल आयोडाइड, अब लेते हैं प्रिपरेशन अल्किल आयोडाइड कैसे करेंगे। अब ये सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल के लिए एप्लीकेबल है, RCH2OH प्लस यहाँ पे HI भी C2 रिएक्शन से बनता है, किसके रिएक्शन से बनेगा देखो यहाँ पर, हम किसके रिएक्शन बनाएंगे यहाँ पर, लेते हैं सोडियम आयोडाइड लेंगे और हम ले सकते हैं यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड, इन लेते हैं यहाँ पर 95% फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 लेना है, ये कंडीशन है। सोडियम आयोडाइड को इससे रिएक्शन करना पड़ेगा या फिर पोटेशियम आयोडाइड को इससे रिएक्शन करेंगे आप फॉस्फोरिक एसिड से, तब बनता है HI, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये आयोडाइड इस OH को रिप्लेस करेगा, यहाँ पे आ गया आपका ये, तो RCH2 यहाँ पे आ गया आपका आयोडीन आ गया और प्लस H2O। ये सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल के लिए, सेकेंडरी और टर्शियरी अगर आप लेंगे तो उसका डिहाइड्रेशन होकर क्या बनेगा, अल्किन। अगर आपने यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, अब बना सकते हैं इसका एग्जांपल ना, अब एग्जांपल का इशू नहीं होगा मेरे लगता है, तो प्राइमरी अल्कोहल ही यूज करना है HI, क्योंकि HI बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना, उसके लिए। और यहाँ पर ये भी आपका C2 रिएक्शन से ही बन रहा है क्या, HIB HBr और HI C2 रिएक्शन से जनरेट होता है, ठीक है ना। यहाँ बनेगा प्राइमरी अल्कोहल से प्राइमरी अल्किल आयोडाइड, प्राइमरी अल्कोहल से बनेगा प्राइमरी अल्किल आयोडाइड, सेकेंडरी टर्शियरी का यूज मत करना क्योंकि उसका डिहाइड्रेशन होकर क्या बनेगा, अल्किन। अभी बताया था वैसे हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर मैंने इसका एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ आपको, मैं CH3OH प्राइमरी अल्कोहल लिया और HI लिया मैंने यहाँ पर, और कंडीशन अब एक ही लिखूंगा, सोडियम आयोडाइड प्लस 95% फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 ऐसे लिखते हैं कोई एक दोनों से, लेकिन दोनों को एक लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ बनेगा आपका CH3I प्लस H2 हो गया, बनेगा कि नहीं। तो हमने यहाँ पे मिथिल अल्कोहल लिया है, मिथिल अल्कोहल लिया, तो मिथिल अल्कोहल से मेरा यहाँ पे क्या बन गया, मिथिल आयोडाइड, इथिल आयोडाइड, एन प्रोपिल आयोडाइड, आप सब बना सकते हैं, प्राइमरी सब ले सकते हैं, प्राइमरी सब लेंगे, सेकेंडरी टर्शियरी मत लेना यहाँ पर, वो स्पॉन्टेनियसली क्या होगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे सेकेंडरी और टर्शियरी है तो स्पॉन्टेनियस डिहाइड्रेट होकर क्या बनेगा, वो अल्कीन बनाएगा आपका, समझ आ रहा है आपको। तो वो भी बता देता हूँ मैं यहाँ पे, ये क्लियर हुआ आप सभी का, सेम पैटर्न है। और ये रिएक्शन आपका क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब अल्कोहल के सारे रिएक्शन, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि इट इज न्यूक्लियोफिलिक, तो उसको क्या लिखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, आयोड जो हैलाइड है, हैलाइड मतलब आ जाएगा क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, ये किसको रिप्लेस करेगा, हाइड्रो ऑक्साइड आयन को, ऐसा। तो थोड़ा सा 11th का हमको जरा लगे, जैसे इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये सब कंसेप्ट लगने वाले हैं, होमोलाइसिस हेटरोलाइसिस थोड़ा सा लगेगा। तो मैं अभी थोड़े 11th के मैं वहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ, कौन सा जो ऑर्गेनिक का जो बेसिक चैप्टर वहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चों को वो काम आएगा, तो वहाँ से स्टार्ट करूँगा, तो आपको भी आएंगे 12th वाले को भी 11th का वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो जो 11th की बैच है वो 2024 के लिए जाने वाली है मेरी, वो 2024 के लिए बनाऊंगा मैं, लेकिन वो आपको भी काम आएगा क्योंकि सिलेबस वही है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो उसके सिर्फ CET में 9 चैप्टर ही आते हैं 11th के, टेंशन की बात नहीं, दो उसमें से 4 चैप्टर थोड़े बड़े हैं, बाकी सब छोटे छोटे हैं, फटाफट हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया, अब हम देखते हैं कि अगर भाई सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल लेने से क्या होता है, उसका डिहाइड्रेशन होकर स्पॉन्टेनियस डिहाइड्रेशन होकर क्या बनेगा, अल्किन। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ उसका भी नोट, फिर आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नोट देख लीजिए, अगर आपने सेकेंडरी टर्च लिया तो मैंने यहाँ पे लिया सेकेंडरी अल्कोहल, जैसे CH3 यहाँ पे लिया OH, सेकेंडरी अल्कोहल लिया मैंने, ठीक है ना, सेकेंडरी अल्कोहल लिया,
ठीक है ना, उसको हमने डायरेक्ट में एच आई लिख देता हूँ, एच आई से रिएक्शन किया तो स्पॉन्टेनियसली डिहाइड हो जाएगा, मतलब अल्फा से ओ एच और बीटा से एच निकल जाएगा, देखो अपने आप डिहाइड हो जाता है क्योंकि भाई ज़्यादा रिएक्टिव है ना ये, तो ओ एच और एच बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। और यहाँ हमारे आपको अल्किन सी एच थ्री सी एच, यहाँ पे ऐसा लिखा उसके हिसाब से लिख रहा हूँ मैं, प्लस एच टू ओ अल्किन बन जाएगा। टर्शियरी लिया आपने, ये पहला हो गया, अब लेते हैं टर्शरी, सेकेंडरी लेने का ऐसा हो गया, अब टर्शरी के साथ भी ऐसे ही होने वाला है, सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री ओ एच, एच आई के साथ किया तो भाई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, अल्फा से ओ एच और बीटा से बीटा एच निकल जाएगा, ये बीटा एच निकल गया, ये निकल गया वाटर बाहर। अब यहाँ बनेगा सी एच थ्री सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस एच टू, ये देख लीजिए। तो आपको याद रखना है प्रिपरेशन अल्केलाइड सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल के लिए एप्लीकेबल है, सेकेंडरी टर्शियम क्या होता है स्पॉन्टेनियसली डिहाइड्रेट हो जाएगा और अल्किन बन जाएगा एज अ मेजर प्रोडक्ट, खत्म है ना, काफ़ी बड़ा था ना ये मेथड, तो आप इसको कर लीजिए तैयार, आपका काम हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, बहुत बढ़िया करा के लूँगा। अच्छा हाँ, अब इसमें कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट्स में डाल दीजिए, सर ये डाउट है मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो लगा तो फिर हम एक काम कर सकते हैं कि नेक्स्ट डे थोड़ा क्विक रिवीजन ले सकते हैं आपको, तो वो कमेंट्स में बताइए सर सेकंड डे थोड़ा क्विक रिवाइज करना आएगा फिर आप, लेकिन आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाएगी, वो ज़्यादा ध्यान रखिए, फिर मुझे बताइए अगर आपको चाहिए नेक्स्ट डे चाहिए, तो जो पहले लेक्चर जो उसको क्विक रिकैप चाहिए कि मुझे बताइए, तो क्विक ऐसा बता दूंगा फटाफट, जितना होगा 10 मिनट 15 मिनट हो जाएगा तो बताकर आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए फिर अब, तो जितने भी न्यू स्टूडेंट्स मेरे चैनल देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को ज़रूर बताइए, ठीक है, आप लोगों का प्यार मुझे ऐसे ही भर भर के मिलना चाहिए, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि सभी स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स को बताएंगे। देखो ना अभी सारे लेक्चर में आपको समझ आ गया, अब ट्वेल्थ में जितना अच्छा हो सकता है जितना इंप्रूवमेंट कर सकता है आप सजेशन के मैं उतना मैं इंप्रूवमेंट करके उसको आगे बढ़ाऊंगा, मुझे मेरा भी टारगेट है महाराष्ट्र के सारे बच्चों को सीईटी और बोर्ड में मुझे आगे ले जाना है, क्योंकि नीट और जेडब्ल्यू के लिए बहुत सारे चैनल है, उनका इशू नहीं है आपको, अब नीट जेडब्ल्यू होगा तो बाद देखेंगे, पहले मैं जरा सीईटी के लिए कर दूँ अच्छा, फिर देखेंगे अपन उसके लिए, ठीक है ना बेटा। चलिए बेटा बाय, पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट होगा कमेंट्स करके बताइए, ओके बेटा, चलिए बाय।